अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ दुर्ग जिला प्रशासन व निगम प्रशासन ने की कार्यवाही। अवैध बाउंड्री वॉल पर जेसीबी चलाकर हटाया कब्जा। दुर्ग निगम सीमा के अंतर्गत बाईपास रोड टोल प्लाजा के समीप मनोज राजपूत लेआउट प्राइवेट लिमिटेड की बाहरी संरचना को जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के अमले ने शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लॉटिंग के मामले में शहर के भीतर हुई या फिर एक बड़ी कार्रवाई है। मनोज राजपूत द्वारा नाला मार्ग में कब्जा कर बाउंड्री वॉल खड़ी कर रखा था, जिसका सीमांकन किया गया। उसके बाद कार्रवाई कर अवैध रूप से शासकीय भूमि पर निर्मित बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर जिला प्रशासन से SDM मुकेश रावटे, भवन अधिकारी प्रकाश चंद थावनी, तहसीलदार प्रकाश सोनी, सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान व दुर्ग थाना और मोहन नगर थाना TI भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।